बंदरों को इंसान का पूर्वज माना जाता है, जो दूसरे जानवरों के मुकाबले काफी समझदार और तेज होते हैं। इतना ही नहीं, बंदर इंसान की नकल करने में भी माहिर होते हैं, जबकि अपनी जरूरतों को पूरा करना भी अच्छी तरह से जानते हैं। यह जीव घने जंगलों से लेकर गांव, कस्बों और बड़े शहरों में भी आसानी से निवास कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने बंदर को देखा है। लेकिन आज हम आपको बंदर की कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। नंबर 1, बाल्ड उकारी मंकी। आज तक आपने मोटे और घने बालों वाले बंदरों को तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गंजे बंदर के बारे में सुना या पढ़ा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि विश्व में बाल्ड उकारी मंकी नामक एक दुर्लभ प्रजाति का बंदर मौजूद है, जो मुख्य रूप से ब्राजील के अमेज़न जंगल और पेरू के घने जंगलों में निवास करता है। इस प्रजाति के बंदर के पास सबसे छोटी और मोटी पूंछ होती है, जबकि इसके सिर पर बाल बिल्कुल भी नहीं होते हैं और यह पूरी तरह से गंजा होता है। इतना ही नहीं, बाल्ड उकारी मंकी का चेहरा भी लाल या गुलाबी रंग का होता है, जबकि इसके शरीर पर मौजूद ब्राउन रंग के बाल बहुत ही लंबे होते हैं और कोट की तरह काम करते हैं। इस बंदर को पानी के आसपास के इलाकों में रहना पसंद होता है, जो आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है। बाल्ड उकारी मंकी अपने भोजन में फल, फूल और पत्ते खाना पसंद करता है, जबकि कई बार यह कीड़े मकोड़ों का भी शिकार कर लेता है। इस प्रजाति के बंदर अक्सर इंसानी गोलियों और तीरों का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि साउथ अमेरिका और पेरू जैसे देशों में इनका मीट काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं जंगलों की निरंतर कटाई की वजह से भी बाल्ड उकारी मंकी की आबादी में कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस बंदर के शिकार पर बैन लगा रखा है। हालांकि फिर भी शिकारी गैर कानूनी रूप से मीट के लिए इस बंदर को मार देते हैं। इस प्रजाति के बंदर पेड़ की टहनियों पर एक पैर लटका कर बैठना पसंद करते हैं। यह बंदर दिन में आमतौर पर अकेले घूमते हैं, लेकिन शाम होते ही शिकारियों से बचने के लिए इस प्रजाति के बंदर झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं और खतरा महसूस होने पर जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मादा बाल्ड उकारी मंकी उसी नर के साथ संबंध बनाना पसंद करती है, जिसका मुंह अधिक लाल या गुलाबी होता है। नंबर 2, एम्परर टैमेरिन मंकी। एम्परर टैमेरिन मंकी बंदर की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ईस्ट पेरू और नॉर्थ बोलिविया में पाया जाता है। इस प्रजाति के बंदरों के पास सफेद रंग की दुर्लभ मूंछें होती हैं, जिसकी वजह से यह बंदर देखने में बहुत ही आकर्षक और विचित्र लगता है। एम्परर टैमेरिन मंकी का पूरा शरीर गहरे काले रंग का होता है, जबकि इसके चेहरे पर बड़ी बड़ी सफेद मूंछें होती हैं। इन्हीं मूंछों की वजह से एम्परर टैमेरिन मंकी को दुर्लभ माना जाता है, जिसकी शारीरिक लंबाई 9 से 10 इंच के बीच होती है। हालांकि इस प्रजाति के बंदर की पूंछ 15 से 16 इंच लंबी होती है, जबकि इनका जीवन काल 10 से 20 साल तक होता है। एम्परर टैमेरिन मंकी को झुंड में रहना पसंद है, जिसमें 8 से 10 सदस्य मौजूद होते हैं। यह मूंछों वाला बंदर फल और पत्तियों के साथ पक्षियों के अंडे और मांस को खाना भी पसंद करता है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। हालांकि इस प्रजाति के बंदरों का साइज छोटा होता है, इसलिए जंगल के बड़े शिकारी जीव इन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। यही वजह है कि एम्परर टैमेरिन मंकी जंगल में घने पेड़ों के बीच निवास करते हैं, जहां शिकारी जीवों की नजर आसानी से इसके या इसके बच्चों के ऊपर नहीं पड़ती है। नंबर 3, वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी। बंदर की सबसे अद्भुत और दुर्लभ प्रजातियों में वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी का नाम भी शामिल है, जिसका शारीरिक आकार इंसान की एक उंगली के बराबर होता है। यह छोटा सा बंदर ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट समेत कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू जैसे देशों में पाया जाता है, जो दिखने में बहुत ही क्यूट और प्यारा लगता है। इस मंकी की शारीरिक लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका वजन सिर्फ 100 ग्राम होता है। हालांकि इस बंदर की पूंछ शारीरिक आकार के मुकाबले लंबी होती है, जिसकी मदद से यह बंदर दो पेड़ों के बीच आसानी से छलांग लगा सकता है और इसकी वजह से उसका शारीरिक संतुलन भी खराब नहीं होता है। वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी का मुंह भी बहुत ही छोटा होता है, जबकि इसके हाथ और पैरों के पंजे काफी शार्प होते हैं। इन पंजों की मदद से ये ऊंचे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता है, जो भोजन में मुख्य रूप से
फल और पत्तियां खाना पसंद करता है। वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी अपनी गर्दन को 180 डिग्री के एंगल में घुमाने की क्षमता रखता है, जबकि इसके दांत बहुत ही छोटे और नुकीले होते हैं। हालांकि वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी को जंगल में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह बंदर अपने छोटे आकार की वजह से आसानी से पेड़ों और पत्तों के बीच छिप जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी को पालतू जानवर के रूप में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसे खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी स्वभाव से काफी गुस्सैल किस्म का होता है, ऐसे में अगर इसका मालिक इसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करे तो यह बंदर अपने नुकीले दांतों से मालिक के हाथ या उंगलियों को काट कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जंगलों में वेस्टर्न पिग्मी मार्मोसेट मंकी को गैर कानूनी रूप से पकड़ा जाता है ताकि उन्हें बेचकर मोटा पैसा कमाया जा सके, लेकिन इसका असर भी इसकी आबादी पर पड़ रहा है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नंबर 4, प्रोबोसिस मंकी। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला प्रोबोसिस मंकी बंदर की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, जिसे आमतौर पर लॉन्ग नोज मंकी के नाम से भी जाना जाता है। इस बंदर की शारीरिक आकृति, नाक और गर्दन के आसपास का हिस्सा बिल्कुल अलग तरीके से विकसित होता है, जिसकी वजह से इसकी गिनती विचित्र बंदरों में की जाती है। प्रोबोसिस मंकी का शारीरिक रंग ब्राउन या हल्का ब्लैक हो सकता है, जबकि इसकी गर्दन के आसपास गोल घुमावदार आकृति में बाल उगते हैं। इस प्रजाति के बंदरों की नाक इतनी लंबी होती है कि वह लटक कर मुँह के पास तक पहुँच जाती है, जबकि इस बंदर के दांत भी काफी लंबे और नुकीले होते हैं। प्रोबोसिस मंकी पेड़ों में उछलने कूदने के अलावा पानी में तैरने में भी माहिर होते हैं, जो खतरा महसूस होने की स्थिति में अपनी नाक को हिलाकर अजीबोगरीब आवाज निकालते हैं और अपने साथियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस प्रजाति के बंदरों में नर की नाक ज्यादा लंबी और लचीली होती है, जबकि मादा की नाक छोटी और नुकीली होती है। हालांकि बीतते वक्त के साथ प्रोबोसिस मंकी की आबादी में तेजी से कमी आ रही है, क्योंकि इस बंदर के मांस और खून से विभिन्न दवाइयां बनाई जाती हैं। वहीं कुछ इलाकों में प्रोबोसिस मंकी का मांस बहुत ही शौक के साथ खाया जाता है, जिसकी वजह से इस प्रजाति के बंदर का शिकार बड़े पैमाने पर होता है। वहीं जंगलों की कटाई और खाने की कमी की वजह से लंबी नाक वाले बंदर विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं, जिसकी वजह से भविष्य में शायद ये बंदर सिर्फ तस्वीरों में ही देखने को मिले। नंबर 5, गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। दुनिया में बंदरों की कई प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन उन सब में गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी को सबसे आकर्षक और खूबसूरत बंदर माना जाता है। बंदर की यह प्रजाति समुद्र तल से 1500 से 3400 मीटर की ऊंचाई पर घने जंगलों में निवास करती है, जो मुख्य रूप से चीन में पाए जाते हैं। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी के शरीर के बाल हल्के काले या ग्रे रंग के होते हैं, जबकि उसकी पूंछ और सिर के बालों का रंग ब्राउन होता है। इतना ही नहीं, इस बंदर के चेहरे का रंग नीला होता है, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक रूप प्रदान करता है। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी के शरीर के बाल अन्य बंदरों के मुकाबले ज्यादा बड़े और मुलायम होते हैं, जो इसे चीन के पहाड़ी इलाकों में ठंडे मौसम और बर्फबारी से सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इस प्रजाति के बंदरों की पूंछ भी काफी लंबी और मोटी होती है, जबकि इनके अंदर 0 डिग्री का ठंडा तापमान सहन करने की शक्ति होती है। हालांकि जब कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क जाता है, तो उस स्थिति में गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी अपने छोटे बच्चों को बीच में रखकर एक गोल घेरा बना लेते हैं, ताकि बच्चों को पर्याप्त गर्मी मिलती रहे और उन्हें बर्फीली हवाओं का सामना न करना पड़े। गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी अपने भोजन में फल, फूल और पत्तियां खाना पसंद करता है, जबकि इस बंदर को इंसानी आबादी से दूर दराज के इलाकों में रहना पसंद है। हालांकि बीते कुछ सालों में जंगलों की अत्यधिक कटाई की वजह से गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी का जीवन संकट में आ गया है, जिसकी वजह से इनकी आबादी लगातार घटती जा रही है। तो ये थे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ प्रजाति के बंदर, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।